हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ। ये आपको बालों को लंबा और घना बनाने के साथ साथ आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम्स लाइक हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स को भी पूरी तरीके से मिटा देगा। सो इस हेयर पैक को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा वंस इन अ वीक और रिज़ल्ट आपके आँखों के सामने होगा। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ मेकिंग हेयर पैक फॉर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। डू लाइक एंड शेयर। सबसे पहले हमें एक मेहंदी का पैकेट चाहिए और अगर वो हर्बल मेहंदी हो तो अच्छा होगा। सो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मैं ले रही हूँ जो कि ऑरिगेंस ब्रांड से हैं। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये ऑरिगेंस ब्रांड वालों को मेरा ये वीडियो दिखे एंड वो लाइक करें इस वीडियो को। सो सबसे पहले आंवला, जिसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स विटामिन प्रेजेंस होते हैं और वो स्कैल्प सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, जो स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को वॉल्यूम और लेंथ से। ये शिकाकाई पाउडर हेयर ग्रोथ और सूद करता है स्कैल्प को और डैंड्रफ से फाइट करता है, शाइन ऐड करता है। रीठा पाउडर जो होता है वो हेयर को सिल्कियर और स्मूदर बनाने में हेल्प करता है और ये हेल्प करता है आपको कभी भी। इसमें एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कभी भी आपके स्कैल्प को हमेशा डैंड्रफ फ्री रखती है और भी अगर कोई आपको स्कैल्प में प्रॉब्लम है उससे प्रिवेंट करती है और प्रिवेंट करती है हेयर लॉस से। सो ये ब्रांड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। आपने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा बट ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है एंड होपफुली इनको मेरा वीडियो देखने को मिले एंड ये मेरा वीडियो पसंद करें। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ लिया मैंने मेहंदी और इसमें हमने तीनों में से लाइक आंवला, रीठा और शिकाकाई में से तीनों में से दो दो स्पून अच्छे से हमें इसमें पाउडर मिक्स करना है मेहंदी में, तो हम ये करेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आंवला, रीठा, शिकाकाई ये सब ड्राई फॉर्म में भी मिलते हैं, तो आप ऐसे मार्केट से परचेज़ करके उनको पीस भी सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड वन मोर इंग्रेडिएंट। इसमें ऐड करेंगे गुड़हल के फूल। थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। गुड़हल के फूल कई तरीके से बेनिफिशियल होता है हेयर के लिए, ये मैंने कई बार अपने वीडियोस में शेयर किया है। सो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कीजिएगा। हेयर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं गुड़हल के फूल को। सारे इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है और इसे कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। अब हमें सेक्शन बाय सेक्शन लेना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से फ्रंट में, बैक में, फुल हेयर लेंथ में, स्कैल्प में, हर जगह बहुत अच्छे तरीके से इसे लगाना है एंड इसको अच्छे से जूड़ा बना लेना। पूरी हेयर लेंथ में लगाने के बाद हमें बहुत अच्छे तरीके से बालों का जूड़ा बनाने लेना है, कुछ इस तरीके से। आप इसे खुद के बालों पर भी कर सकते हैं, मैंने मिडिल पार्ट किया है एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग सम सेक्शन फ्रॉम क्राउन और उसके बाद हम पूरे हेयर में उसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। इसे हमें पूरे अच्छे तरीके से बालों में लगाना है और इसके बाद 2 से 4 घंटे के लिए इसी तरीके से बालों में छोड़ देना है ताकि वो सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले एंड आफ्टर दैट हमें प्लेन वाटर से श्योर आप पुराने कपड़े पहने हैं और अच्छे तरीके से फ्रंट और बैक में लगाएं। तो ये लगाया है मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम इसे 2 से 4 घंटे सूखने के लिए रखेंगे एंड इसको प्लेन वाटर से वॉश करेंगे। अगेन मैं ऑरिगेंस ब्रांड का ऑनियन ऑयल ले रही हूँ। बाल ड्राई होने के बाद हमें हैवी ऑयलिंग करनी है अपने बालों पे ताकि वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में। हमें हैवी ऑयलिंग करनी है और इसको हमें पूरी रात अपने हेयर पे ऐसे ही रहने देना है एंड अगले दिन सुबह हमें हेयर वॉश करना है। किसी भी शैम्पू से आप चाहें तो हेयर वॉश कर सकते हैं और उसके बाद आपके हेयर बहुत ही शानदार हो जाएंगे। डू ट्राई दिस एट होम एंड ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय।